केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। ये बजट 48,20,000 करोड़ का है और इस बजट में हर मंत्रालय के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान और समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है, जबकि विपक्ष का कहना है ये सिर्फ कुर्सी बचाने वाला बजट है। अब इस बजट पर विशेषज्ञों की क्या राय है, आज चर्चा इसी पर करेंगे और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ रोहित बोहरा जी हैं, विधायक है कांग्रेस से। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर एनडी माथुर जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। लाल सिंह रायका जी हमारे साथ हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं। तो साथ ही हमारे साथ सुनील दत्त गोयल जी हैं, जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं और साथ ही ज्वेलरी सेक्टर से। चर्चा के लिए हमारे साथ संजय काला जी भी हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत प्रोफेसर एनडी माथुर जी आपसे करते हैं, क्योंकि जब बजट आता है तो बजट का बजट क्या है, कैसे क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि हर बार सवाल एग्जीक्यूशन को लेकर रहता है। लेकिन सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे, आपका एनालिसिस इस बजट को लेकर क्या कह रहा है? देखिए, जिंदगी यूं ही कत्ल होती रही किस्तों में, कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे कुछ विरोधाभास नजर आते हैं बजट में। हालांकि बजट काफी हद तक कोशिश की है, काफी अच्छा बजट है और काफी एरियाज को टच करने की कोशिश की है और बहुत बहुत ईमानदारी से की है। इस बात को भी मैं साफगोई से कहना चाहूँगा। लेकिन विरोधाभास जो मुझे नजर आते हैं, पहला विरोधाभास तो नजर आता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, जो महंगाई को बढ़ाएगा। वो लगभग 4.9% ऑफ GDP है, जिससे इन्फ्लेशन की रेट बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना नजर आती है। दूसरी बात, इसमें जो दूसरा विरोधाभास मुझे नजर आता है वो ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट लगभग 5.80 लाख करोड़ का है, जो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स जो है आपकी हमेशा जितनी है उतना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, जितनी चादर है उतना ही पाँव पसारने चाहिए। बट सरप्राइजिंगली कैपिटल अकाउंट में अगर आप जाएं तो सरप्लस है, जबकि जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी वहां डेफिसिट भी रखा जा सकता था, लेकिन वहां पर रिसीट्स तो 16.15 लाख रुपीस का जो एक्सपेंडिचर है एंड 16.5 लाख रुपए का उसमें रिसीट्स है और बचत दिखाई गई है 1.5 लाख करोड़ की। तो ये दूसरा विरोधाभास नजर आता है। तीसरा विरोधाभास इसमें इस बजट की सारी प्रशंसा रोजगार परकता पर है कि रोजगार के अवसरों के लिए ABC तीन तरह की अपॉर्चुनिटीज बताई गई हैं, लेकिन सारा का सारा रोजगार का जो क्षेत्र है वो 83% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और बजट में ही ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं है। इट मीन 17% के लिए है, 83% के लिए नहीं है बिल्कुल। तो ये रोजगार परखता फिर कितने रोजगार बढ़ाएगी और उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या होगा, उसके बारे में कोई बात इस बजट में नहीं कही। बाकी एलोकेशंस बड़े अच्छे हैं, 9 प्रायोरिटीज की बात की गई है इसमें। एलोकेशंस महिलाओं के लिए भी है, शिक्षा पर भी एलोकेशन है, डिफेंस पर सबसे ज्यादा एलोकेशन है, 4.54 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ रुपए का महिलाओं के लिए है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए 1.51 लाख करोड़ का है और IT सेक्टर के लिए 1.16 लाख करोड़ का है। तो एलोकेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन रूरल डेवलपमेंट पर भी नंबर 2 पर ध्यान रखा गया, 2.65 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं। पर मेरा मानना है कि इन विरोधाभासों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था और वैसे कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बजट को बड़ी ईमानदारी से एलोकेशंस किए गए हैं और मैं समझता हूँ आर्थिक विकास की गति को तेज तो करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल और इस पर रहेगा एनडी माथुर जी, क्योंकि आम जनता की तरफ से भी ये सवाल है कि बजट आ गया, कहा जा रहा है बजट को 5 साल के विकास के तौर पर देखा जाए, बजट पर 2047 की झलक नजर आती है। आज की बात करें या इस अगले बजट के पहले तक की बात करें तो क्या कुछ मिलेगा? इसलिए ये सवाल है कि आम जनता तो ये कि हमें आज क्या मिल रहा है या फिर हमारे अगले बजट के पहले तक इस बजट में से हमें क्या मिल सकता है, तो क्या इस नजरिए से इस बजट को देखा जाए? इस नजरिए से देखा जा सकता है और अगर ये जो कुछ भी घोषणा 1 साल की हुई है हमें इन पर देखा जाए तो निश्चित रूप से कुछ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ने की संभावना पूरी है और जो फायदा इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत 17,500 रुपए का ये बता रहे हैं वो ये महंगाई उससे भी ज्यादा पैसा ले जाएगी।
ठीक है रोहित बोरा जी, विपक्ष कहता है कुर्सी बचाने का बजट है ये और कुछ नहीं, और ये इसलिए भी शायद क्योंकि इस पूरे बजट पे जो फोकस नजर आया वो दो शब्द बिहार आंध्र प्रदेश, क्या इस लिहाज से ही विपक्ष ऐसा मान रहा है या बजट में कुछ भी आपको प्लस नजर आया? भाई यू कैन नेम इट एज अ बिहारी बजट और एन आंध्र प्रदेश बजट। बिहार अलोन इज गेटिंग 58,000 करोड़, अमरावती कैपिटल के लिए 15,000 करोड़, जहाँ ये लोग हमारे यहाँ रोज असेंबली बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार को राजस्थान में जो 13 जिलों की स्कीम थी ERCP, नॉट वन पैसा हैज बीन अलोकेटेड फॉर देम। व्हाट दे विल डू इज दे विल आस्क कि भाई आपको लॉन्ग टर्म में हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे देंगे एज लोन, जबकि ERCP वॉज सपोज टू बी अ नेशनल स्कीम डिक्लेयर करने वाले थे प्रधानमंत्री जी, खुद प्रधानमंत्री ने 2 बार जयपुर और अजमेर में ये भाषण दिए कि इट विल बी अ नेशनल स्कीम दैट विल बी सपोर्टेड बाय सेंटर, वो नहीं हुआ। 1,000 करोड़ का जोधपुर और पाली के बीच में एक इंडस्ट्रियल एरिया दिया है, दैट इज ऑल जो राजस्थान को मिला है इस बजट के अंदर। अब बजट में आप सुनिए किसका फायदा हो रहा है, ये कह रहे थे 2017 के बजट में जेटली जी ने अनाउंस करा था कि हम 100 ऐसे सेंटर्स खोलेंगे जहां पर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे फॉर पीपल टू गो आउट ऑफ इंडिया एंड गेट देयर जॉब्स। आज तक 2022 तक सिर्फ एक सेंटर खुला भुवनेश्वर में, उसमें से एक भी लड़का उस सेंटर में से निकल के बाहर नहीं गया जिसको जॉब मिला। अब वापस क्या कहानी आई कि हम 30 इंटरनेशनल सेंटर खोलेंगे। तो ये जो कथनी और करनी में जो डिफरेंस है ना, ये अपार डिफरेंस है। अब ई श्रम पोर्टल पे ले लीजिए, 28 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे नौकरियों के लिए आवेदन करे, उसमें से 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं इस भारत देश में। हमारे यहां 10,000 रुपए से कम, उनको क्या फायदा हो रहा है इस इनकम टैक्स बेनिफिट से या किससे क्या बेनिफिट हो रहा है? 10,000 रुपए में तो 2 वक्त की रोटी नहीं गुजार पा रहा। प्याज की रेट देखिए, टमाटर की रेट देखिए, आलू की रेट देखिए। योर इन्फ्लेशन टुडे, रिटेल इन्फ्लेशन इज मोर देन 5%। और ये नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं तेलों के दाम की, और यदि तेलों के दाम और दालों के दाम और बढ़ गए, यही रिटेल इन्फ्लेशन 6% हो जाएगा, विच विल बी इक्वलेंट टू योर FD, जो FD की रेट्स है उसके बराबर रिटेल इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो व्हाट आर वी टॉकिंग, हम सिर्फ धूल झोंक रहे हैं। हम 23% पैसा इस बजट में कहां खर्च कर रहे हैं, पेंशन और इंटरेस्ट के अंदर। 100 रुपए यदि हमारी आय है, उसमें से 23 पैसा हम हमारी पेंशन और उसमें खर्च कर रहे हैं। तीसरी चीज सुनिए, मैंने जो पिछली बार भी आपके यहां डिबेट हुई थी तब मैंने कहा था, ये सरकार की आदत क्या हो गई है कि हर साल इनको 17 लाख 18 लाख करोड़, और वो विदित है बजट में ही, 17 लाख 18 लाख करोड़ का इनको लोन लेना है। ये अगले टाइम जब रीपेमेंट शेड्यूल आएगा नेक्स्ट विद इन 1 ईयर के अंदर, ये जो आप, मैं 23% की बात कर रहा हूं, ये पैसा आके 33% हो जाएगा। तो मतलब इंडिया इज, वेयर इज इंडिया गोइंग? हमारा 84% इस बार के बाद 84 से 85% टोटल लोन ऑफ GDP हो जाए। कैन वी अफोर्ड टू बीइंग अमेरिका? हमारी डॉलर इकोनॉमी नहीं है कि हम पेट्रोलियम के पैसे से हम मजे कर जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे 14 के अंदर कि डॉलर की रेट 40 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आज क्या रेट है? 84 है। तो आप जो विरोधाभास देख रहे हैं, आप जैसे ही एक नया बजट आता है एक नया गाना गाना शुरू कर देते हो, और फिर अगले साल उस गाने का ट्यून वापस बदल जाता है। तो मेरा तो इतना ही कहना है, इससे राजस्थान को बहुत निराशा हुई, ये डबल इंजन की सरकार को कुछ भी नहीं मिला। अभी मेरे कोई प्रवक्ता जी कह रहे थे कि साहब 7,000 करोड़, तो 7,000 करोड़ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें खैरात नहीं दी, वो डेवल्यूशन होगा, दैट इज अवर राइट, दैट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट कि वो है कि भाई हमारे को खैरात दे दी 7,000 करोड़ की, वो तो डेवल्यूशन हो गई होगा, हर स्टेट में डेवल्यूशन होता है, उसका 7,000 करोड़ रुपए हमें ज्यादा आएगा।
बिल्कुल रोहित जी, जो जो आंकड़े आप दे रहे हैं उससे ये सोचने पे मजबूर भी होना पड़ेगा कि हम महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ ठीक है, लेकिन इन दो मुद्दों पे जो बात कर रहे हैं वो मुद्दा तो ऐसे ही आगे भी कायम रहने वाला है। इसका जवाब जरूर चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वित्त मंत्री हो, या फिर जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, सब सेक्टर्स को लिया गया है, सबको ध्यान में रखा गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे कमी गिना रहे क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा थी, इस लिहाज से ये सामने नजर नहीं आया। लेकिन जो बात अभी रोहित जी ने कही कि उसका क्या जवाब? देखिए श्वेता जी, हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पे। मैं सुन रहा था अभी रोहित जी को भी सुन रहा था, उसके पहले प्रोफेसर माथुर को भी सुन रहा था जी, और जैसा कहा जा रहा है कि बजट एक साल का होता है, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। और जिस तरह से हमने अपनी प्राथमिकताएं तय की थी कि हमारी प्राथमिकता में अन्नदाता है, हमारी प्राथमिकता में महिला है, हमारी प्राथमिकता में युवा है और हमारी प्राथमिकता में गरीब वर्ग है, उसको लेकर के बजट पेश किया गया है। और चूंकि ये पहला बजट है तो हमने 5 साल का एक रोड मैप देने की इसमें कोशिश की है। और जिस तरह से आपने कुर्सी बचाने वाला पॉइंट भी पूछा और इस तरह की चर्चा भी हुई, देखिए श्वेता जी, ये जो सरकार है इसको तीसरी बार जनता ने जनादेश दिया है और एक पूर्ण बहुमत हमारे प्री पोल अलायंस को मिला है। और जो फिगर भारतीय जनता पार्टी 240 लेकर के आई है, ये कांग्रेस पिछले 35 सालों में ला भी नहीं पाई है। और आप मान के चलिए जो देश में राजनीतिक स्थिति है, आने वाले 35 सालों तक भी कांग्रेस 240 क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुर्सी बचाने के लिए बजट दिया है। ये सवाल इसलिए भी आपने कहा कि ये सवाल क्यों पूछा, वो इसलिए क्योंकि ठीक है आपने जो कहा कि 240 आई, वो भी अच्छा आंकड़ा है, बहुत स्टेबल जी, जनता ने ही ये तय किया है और इसलिए 240 आते हैं आपके। लेकिन आपके जो गठबंधन की जब बात की जाती है, बार बार बिहार आंध्र प्रदेश की बात होता है और उसके बाद ये एक बड़ा फोकस इस पूरे बजट में इन दोनों राज्यों में रहा, तो वो क्यों रहा? सवाल इसलिए उठ रहा है, दोनों राज्यों की स्थिति को हमें समझना पड़ेगा। बिहार और झारखंड दोनों एक राज्य हुआ करते थे और जो सारा रेवेन्यू आता था वो सारा झारखंड से आता था, क्योंकि माइनिंग पे वहां पे ज्यादा थी। अगर आप देखें, जब से बिहार बना है अलग से, उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस वो कम हुए हैं। क्यों ऐसा? और सेम इसी बार बजट में क्यों ऐसा? अगर ये बातें में सिचुएशन है, नहीं नहीं, जब भी देखिए प्राथमिकता रही है, अरे ये प्राथमिकता पहले भी रही है, आप 2000 तो कैसा किया था, तो कैसे तो रह गया बिहार को, भाई ये प्राथमिकता वही थी, और राज्य की जो नहीं याद आई, भाषण याद दिला, कोई और राज्य नहीं है बिहार के अंदर, उन्होंने अनाउंस करा था कि 1,00,000 करोड़ करा था ना, अनाउंस किया था ना, अरे अनाउंस किया था ना, आप वो भूल गए क्योंकि आप वहाँ चुनाव हार गए, नहीं आप सब चीजें भूल जाते हैं। दूसरा चीज मैं आपको कहता हूँ, आज सबसे ठगा महसूस कर रहा है कौन? युवा। अरे युवा कैसे ठगा महसूस कर रहा है? रोजगार की रोहित जी 5 स्कीम से बताइए, आप कर रहे हो, आप पहले सुनो, रोजगार की 5 स्कीम से सुनो, सुनो, अभी AI दैट इज द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो अभी लूज कर ही रही है, और जिस दिन रोबोट्स आ गए उस दिन नेक्स्ट वन ईयर के मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, रोहित जी मैं जवाब, रोहित जी मेरी बात, आपकी बात, युवा विल, अरे रोहित जी मैं जवाब दे रहा हूं, आपकी बात सुनिए, 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 मैं जवाब देता हूं, अरे रोहित जी सुनिए तो सही, रोहित जी आपने कहा हम 10,00,000 रुपए देंगे 30% के ऊपर, अरे भाई हमारे यूनिवर्सिटीज में जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, अरे जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, सही आपने प्रश्न किया तो जवाब भी सुनिए, जवाब भी लेते हैं, हां ठीक है। देखिए श्वेता जी, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस होता है वो किसी के कंट्रोल में, नियंत्रण में रहता नहीं है। अगर हम बात करें तो पहले फोटोग्राफर हुआ करते थे, कैमरे से फोटो खींचा करते थे, वो इंडस्ट्री चली गई, CD बनाने की इंडस्ट्री चली गई। तो टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेशन होगा उसके हिसाब से युवा अपने आप को ढालता है। आजकल जो लोग जो IT इंडस्ट्री तो में हमारे युवा ले रहे हैं, तो रोहित जी की बात की चर्चा करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये कर्ज की बात कर रहे थे, अरे ये कर्ज की बात कर रहे थे, अरे रोहित जी अपने आप कर्ज की बात करें, सुनिए तो सही, अरे सुनिए, अरे सुनिए, आप कर्ज की बात कर रहे थे कि AI आएगा तो हम क्या करेंगे, अरे आप कर्ज की बात कर रहे थे, एक शब्द नहीं बोला है, कर्ज की बात कर रहे थे ना, ये बताइए जो आपके नेता बोलते थे ना कि हम 8 करोड़ लोगों को
होने वाला क्या है? अरे आप क्या हो गया? पैसा कैसे बांट के बताइए? आप कितना बताइए? उसमें 3% चार्ज करेंगे? आप बताइए, आप यूनिवर्सिटीज में फीस पैसा कैसे बांटते हैं? आप क्या करोगे? फटाफट कैसे बांटते हैं? अरे आप बताइए ना, कैसे बांटते हैं? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ फीस लगती है, वो 10 लाख रुपए क्या करेगा? यहाँ समझाइए लोगों को। अरे आप समझाइए लोगों को कि आप 1 करोड़ की फीस क्या करेंगे? 10 करोड़ 1 लाख रुपया कैसे बांटते? बताइए ना, आपके नेता बोल रहे थे ना फटाफट पैसे बांटेंगे, खटाखट बांटेंगे, बताइए कैसे बांटते आप? कैसे बताइए ना, हम बांटते हैं? अरे कैसे बांटते हैं भाई आपके पास? अरे बताइए कैसे बांटते हैं? का आपने डेफिसिट करा है? तो पहले बजट की बात कर रहे हैं, यहां पूरे हिस्ट्री में नहीं बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? ब्याज की बात कर रहे हैं? आपके नेता को बताइए आप, आपके नेता को समझाइए, वो 8 लाख करोड़ कैसे बांटता है? बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने जनता ना कर रहे हैं। आप हमेशा झूठ बोलते हैं। एक सेकंड रोहित जी, सुनील दत्त जी कुछ कह रहे हैं। जी मैंने साहब ने किया, मैं पुराना एक वाक्य याद दिलाता हूँ। 92 में स्टॉक एक्सचेंज और बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटराइजेशन का बड़ा जोरदार माहौल क्रिएट हुआ, और मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे वहाँ करीब करीब 2 बार स्ट्राइक हुई, एक बार जब सेबी का फॉर्मेशन हुआ तो करीब 50-55 दिन स्ट्राइक हुई, और जब कंप्यूटराइजेशन हुआ स्टॉक एक्सचेंज का और बैंकों का भी हुआ, तो उन दोनों सेक्टरों लंबी स्ट्राइक इस बात की हुई कि कंप्यूटर आएगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस टाइम भी मैंने सभी लोगों को कहा, मेरे ट्रेड इंडस्ट्री के लोगों को बोला, मेरे शेयर बाजार के लोगों को बोला कि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, अपना ग्रो कर जाओगे। आज श्वेता जी कल्पना कर लो, अगर स्टॉक मार्केट में या बैंकों में या हमारे आम जीवन में कंप्यूटराइजेशन नहीं होता तो आज हम कहाँ खड़े होते? आज पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग राज कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्ची कहीं विदेशों में अगर है। लेकिन सवाल भाई, अगर एआई का जिक्र हो तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मैं एआई अगर आ रही है तो हमारा युवा उसी हिसाब से तैयार। मैं खुद एआई यूज करने लग गया, मैं अभी दिखाता हूँ एआई यूज करते आपको। मैं श्वेता जी, मैं अपने फोन पे एआई यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बजट ऐसा आ रहा है, इसमें पहले से ही अपने को ये देना चाहिए कि एआई के आने से कौन कौन से जॉब है जिनपे इफेक्ट आएगा, कौन कौन से जॉब हटेंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए अपन क्या कर रहे हैं, और जो एआई से फायदे मिलेंगे और नए फील्ड खुलेंगे उनके लिए अपन कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि एआई आ रहा है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और 1-2 साल में बहुत लेकिन कितने प्रिपेयर उसके लिए वो सब जरूरी है। पहले से अपन को उन जॉब्स को देखें कि जिन पे इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपने अपने को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। संजय सुनो, आपने युवाओं को 3 चीज दी, क्या कि हम 10 लाख रुपए देंगे आपको 3% इंटरेस्ट पर। आज एक चीज बताइए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट जाता है उसकी फीस क्या है? 1 साल की 17.5 लाख रुपया। अरे आपके समय क्या थी बताइए ना, आपके टाइम कितने मेडिकल कॉलेज थे? अरे आपके टाइम कितने मेडिकल कॉलेज थे बताइए? आप कितने मेडिकल की सीटें थी बताइए ना? आपको 5 मेडिकल कॉलेज की परमिशन मेडिकल कॉलेज थे, आज 22 मेडिकल कॉलेज है। आपको 5 मेडिकल कॉलेज की आपके टाइम पे प्राइवेट मेडिकल साल का हर स्टेट बताइए ना, आपके टाइम पे देश में कितने मेडिकल कॉलेज थे बताइए ना? किसकी बात करते हो? अरे बताइए आप, राजस्थान बताइए, आपको 5 मेडिकल कॉलेज है, 22 मेडिकल कॉलेज है। एक मिनट रोहित जी और आशीष जी, देखिए हम आज के बजट में बात करते हैं। देखिए पिछली सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, इसमें वक्त जाया होगा। देखिए दोनों सरकारों ने अपने अपने वक्त में किया है, कुछ बेहतर भी है, कुछ फैसले के खिलाफ भी, जनता के होता है। लेकिन हम आज के अगर बजट में बात करें, क्योंकि आज का बजट भविष्य तय करेगा हर वर्ग के लिए, चर्चा हम उस पर करते हैं। लाल सिंह रायका जी, देखिए बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, या हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करें, एजुकेशन को लेकर बात करें, इस लिहाज से बजट को कैसे देख रहे हैं आप? मैं एम्प्लॉयमेंट पे बताना चाहूँगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी आया कि 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट, 9.2% का मतलब करीब 10 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, और 10 करोड़ जो अपना रोजगार का जो डेटा दिया है 54% एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर का मतलब लो पेड वाला रोजगार, और हिडन एम्प्लॉयमेंट जैसे छुपी हुई बेरोजगारी कही है। सेकेंडली जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो 15% हैं। कैजुअल वर्कर्स में अधिकतर एससी एसटी और ओबीसी होता है, तो उसमें जो गरीबी है, गरीबी और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई भी लिंक नहीं है, उनका लो पेड होता है। इवन महिलाओं की जो बात कर रहे हैं अभी कि महिलाओं के लिए एम्पावर करेंगे, आप देखेंगे मार्केट में एक आदमी की जो मजदूरी है 500 रुपया है, महिला की 300 रुपये है, तो देयर इज अ डिफरेंस इन जो है ना उनकी मजदूरी में भी। अनदर पॉइंट जो मैं यहाँ पे रेज करना चाहूँगा, 28% अनपेड में 28% का मतलब सारी की सारी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के ऊपर फोकस नहीं किया है। मैं बोलना चाहूँगा कि बजट एक टिक मार्क एक्सरसाइज है, यदि आप बोले तो 95% अगले साल का बजट मैं अभी बना सकता हूँ, केवल 5% का डिफरेंस है। तो स्टेट कोई भी पॉलिसी
चेंज नहीं है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट नहीं है कि इस आधार से इस पर लेके जाएंगे। ये सारे एब्सोल्यूट डेटा है कि मतलब 10 करोड़ का जो बेरोजगारी वो डेटा नहीं दिया है, खाली 1 करोड़ को रोजगार देंगे या इतने देंगे, क्या देंगे वो नहीं है। सेकेंडली मैं एजुकेशन के बारे में बताना चाह रहा था, जैसे सर ने बताया अभी कि 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिया और 3% उसके ऊपर सब्सिडी मानी है उसकी तरह से, लेकिन इंटरेस्ट रिबेट मतलब उसको कहते हैं ई वाउचर से देंगे, लेकिन जो लोन है, क्योंकि मैं बैंक में रहा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोन है अधिकतर जो लोन लेने में बहुत उनको दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि एक तो बैंकर्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हायर जो ड्यूरेशन का लोन होता है, और दूसरा डिफॉल्ट रेट भी होती है। इसलिए मेरा ये सजेशन था कि आप यूनिवर्सिटी बेस्ड या कॉलेज बेस्ड लोन स्कीम बनाइए कि जैसे ही जो गरीब बच्चा है और जिसके परसेंटेज अच्छे हैं उसको लोन मिलना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, तभी सब लोगों को लोन मिल पाए। ठीक है सुनील दत्त जी, क्योंकि एआई को लेकर बात करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं आप, इसको लेकर जरूर जानना चाहेंगे कि क्या है और क्या था जो शामिल हो सकता था नहीं किया गया, क्योंकि युवा आजकल स्टॉक मार्केट शेयर इसमें ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो रोजगार नहीं है और शॉर्टकट हर कोई अपनाना चाहता है कि पैसा हो तो पैसे से पैसे बनाया जाए। देखो श्वेता जी, जहां तक मैं मोदी सरकार के पिछले 2 बजट के और परसों के जो उनके स्टेटमेंट थे कि हम अगले 5 साल की नींव रखेंगे और 2047 का विजन रखेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आज के बजट में मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी। ऐसा नहीं कि कंप्लीट नहीं हो सकती, जैसे मान लो अपन बात करें इंश्योरेंस कंपनीज की, तो 4 इंश्योरेंस कंपनी और एक उसके ऊपर एक अम्ब्रेला है GIC, अगर ये 5 मर्जों का एक बना दे सरकार तो डेफिनेटली सरकार के बहुत सारे ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे और उसका काम करने का तरीका बहुत बेहतर होगा। और जब भी आज जमाना आ गया कंसोलिडेशन करने का, कंपनी का कंसोलिडेशन होना जरूरी है, तो ये जब एक कंपनी बनती तो वर्ल्ड में कहीं उसकी स्टैंडिंग बनती, कंसोलिडेशन का कैपिटलाइजेशन बढ़ता मार्केट का। इसी तरीके से आप पेट्रोलियम कंपनी की बात करो, 4 पेट्रोलियम कंपनी है, उनके ऊपर फिर ONGC है, ऑयल है, गेल है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां इकट्ठी हुई। आज सरकार को जरूरत है कि अपने इस तरह के खर्चे कम करे और कंसोलिडेशन मोड में बड़ी एक आइडेंटिटी को लेकर के आए तो वो ज्यादा बेहतर होता। तो ये सरकार को इसको करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मैं आपको याद दिलाता हूँ पिछले वाले जो 5 साल के इतिहास में करीब 18-20 बैंकों का मर्जर किया, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे स्टॉक मार्केट का, हमारा ऐसे उनसे कन्वर्सेशन चल रहा टीवी के ऊपर, तो मैं कहा जी PNB के अंदर 4 बैंकें जोड़ दी, आपकी ओपिनियन क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया 0 के 0 कितने ही जोड़ दो 0 ही होते हैं। मैं कहा नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे, वो 0 के पीछे 1 लगाओ, PNB लगी हुई है, उस PNB में 4 घुस रही है। आप देखिएगा माथुर साहब, उस जमाने में PNB का भाव था 35-40 रुपए, आज PNB 125-150 रुपए। आज PNB की प्रॉफिटेबिलिटी देखिएगा, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। देखिए ये आप बिल्कुल ऐसा माने कि आपका 1 गिलास पानी है, 2 चम्मच आप उसमें अभी कोई भी शक्कर डाल दीजिए, वो अपना आप जगह बना लेगी, मिल जाएगा। तो हमें पहले तो ये फियर निकालना है कि इन चीज़ों से बेरोजगारी बढ़ेगी। इतनी बैंक के मार्च हुई, कौन सा बेरोजगार बढ़ गया? कंप्यूटराइजेशन है, कौन सा बेरोजगार बढ़ गया? AI ये कौन सा बढ़ जाएगा? सब लोग तैयार हो जाएंगे, उसी हिसाब से रास्ते खुलते हैं। तो क्या आज के वक्त में जो इतने युवा है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, बोल रहे रोजगार नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, दो अहम मुद्दे जिस पर ध्यान नहीं दे रहे, सर अगर ये बातें कही जाती क्या ये गलत है? नहीं, उसके पीछे 2 वजह के, आज के मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑल द यूथ की, यूथ जो है अपनी शर्तों पे काम करना चाहता है। जैसे हम लोग भी, मेरे ऑफिस स्टाफ शॉर्टेज है, जो हम लोग वैकेंसी कॉल करते हैं मांगेगा 50,000, क्यों सर? मुझे मेरे कॉलेज में ब्रेन सेट किया कि मैं 50,000 का घोड़ा बनकर निकल रहा हूँ। प्रॉब्लम हमारे वो पीछे का एजुकेशन सिस्टम में, वो लायक नहीं है 25,000 के भी, अब वो 50,000 के इंतजार में साल 2 साल इंतजार करेगा, फिर वो डिप्रेशन में आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, इसलिए जो बार बार बातें हो रही है कि जो पिछले 20 सालों में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे उन्होंने उस प्रॉपर क्वालिटी से एजुकेशन उस यूथ को दिया ही नहीं वहां पर, तो ये कमी तो पिछले सरकार में चली आ रही है ना। ठीक है, इस पर रोहित जी आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन 2000 से लेकर 2000, ठीक है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद भी चर्चा ये जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट पेश हो चुका है और बजट पर ही चर्चा जारी है, बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त दिल्ली से उदयपुर सांसद मन्नाराम रावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मन्नाराम जी बहुत स्वागत है आपका। देखिए बजट तो पेश हो चुका है, पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर तो चाहेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता उतनी खुश नहीं है क्योंकि जो उम्मीदें थी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आई, क्या कहेंगे मन्नाराम जी? जी नमस्कार, ये जो ऐतिहासिक बजट है जी, और इस बजट में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से विकसित भारत 2047 के
विकसित भारत 2047 के लिए जो रोडमैप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है उसी के अनुरूप 9 प्राथमिकताएं तय हुई हैं। 9 प्राथमिकता में कृषि है, शहरी विकास है, कौशल विकास है, और आने वाले ज़माने के लिए किस प्रकार से युवाओं को तैयार करना उसका पूरा रोडमैप दिया गया है, और इसके साथ ही साथ गरीबों को कैसे ताकत देनी है, महिलाओं को कैसे ताकत देनी है, जनजातियों के लिए कैसे लगभग 63,000 गांव तक पहुंचना है, 5 करोड़ जनजातियों के लिए काम करना है, उसका रोडमैप है। तो इसके साथ में इकोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, MSME है, सभी योजनाओं को टच करते हुए इसमें आगे बढ़ने की बात की गई है। मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए युवा, गरीब, महिलाएं और जो अन्नदाता किसान हैं उसको लेकर जितने भी योजना आई हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो, चाहे उसमें सिंचाई विकास को लेकर हो, सभी विकास योजनाओं का एक बड़ा लाभ राजस्थान को मिलेगा, और विशेष तौर पर युवाओं को 2047 के लिए कैसे आगे बढ़ना, तैयार होना है कि विकसित भारत के लिए अपने आप को कैसे एक नई उड़ान के लिए तैयार होना, वो सारी बातें इसमें बजट में दिखाई दे रही हैं। और विरासत के साथ विकास हो, ये बात भी निकल कर आ रही है, और बाकी सारी बातें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर जो इकोसिस्टम का निर्माण करना है वो भी राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, राजस्थान को लाभ मिलेगा, लेकिन जनता तो आज का समझना चाहती है, आम जनता इतना दूरगामी सोच लेकर तो चलेगी नहीं। मन्ना राम रावत जी, अच्छी बात है कि चलिए आप ये कह रहे कि नींव रखी जा रही है 2047 के तहत, लेकिन जैसे बिहार था, जैसे आंध्र प्रदेश था, वैसे ही तो राजस्थान भी उम्मीद कर रहा था कि कुछ उसके लिए भी अलग से ऐसी घोषणा हो जाए। ERCP का मुद्दा है, बहुत तेजी के साथ नई सरकार बनने के साथ ही राजस्थान में उसे लेकर फैसले किए गए, MOU हुआ, इसके बाद तो उम्मीद ये थी कि अब सरकार कोई इसमें घोषणा कर सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए राजस्थान को लेकर जब आप देखेंगे पूरा बजट जिन विषयों पर केंद्रित है, जिन समूहों पर केंद्रित है, उसमें युवा है, गरीब है, महिलाएं हैं और अन्नदाता किसान है, तो राजस्थान तो पूरा ही इसमें कवर हो रहा है। और कौशल विकास को लेकर जिस तरीके की रचनाएं बनी है उसका पूरा लाभ राजस्थान को मिलेगा, तो फिर ये सब लाभ तो बिहार और आंध्र प्रदेश को भी मिलता है ना सर। एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है ये जो कॉमन आप बात कर रहे हैं ना सर, ये तो बिहार को भी मिलता, आंध्र प्रदेश को भी मिलता, कर्नाटक महाराष्ट्र को भी मिलता, सब राज्यों को मिलता। फिर ये 2 राज्य को अगर अलग अलग से कुछ ज्यादा दिया जाएगा तो दूसरे राज्य तो महसूस करेंगे ना कि भेदभाव किया गया, तो सवाल इस पर उठेगा। मन्ना राम जी, देखिए किस प्रकार जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने अपना बजट कुछ दिन पहले पेश किया और ये बजट है, तो आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर जब देखते हैं तो विकसित भारत 2047 का कैसा राजस्थान होगा, कैसा मेवाड़ होगा, कैसा हाड़ौती होगा, कैसा मारवाड़ होगा, कैसा सखावाटी होगा, ये सारी रचना निकल कर आई है। और ईस्टर्न राजस्थान को लेकर जिस तरीके से एक बड़ी परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आई है, ये इसको लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से देखा है कि केंद्र और राज्य मिलकर जो संसाधनों का जो एक तरह से समन्वय करके राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, उसमें पूरा विकसित राजस्थान 2047 के पूरे सपने पूरे रोडमैप उसमें नजर आता है। यानी जो बदलाव राजस्थान में और उसका फायदा 2047 तक नजर आएगा, उसी की झलक है आज के बजट में। हाँ मन्ना राम जी, देखिए रोडमैप जब बनता है तो क्रमशः नींव की भी बात होती है, लगातार उसमें आगे बढ़ना होता है और धीरे धीरे उसमें हर विषयों को टच करते हुए आगे बढ़ना होता है, वे सारे विषय इसमें नजर आते हैं। और यानी अभी कह रहे कि ये संपूर्ण बजट है, हर वर्ग को लेकर साधने की कोशिश है, सबको राहत देने की कोशिश है। बिल्कुल, संपूर्ण राजस्थान को लेकर भी है, संपूर्ण भारत को, भारत के संदर्भ में संपूर्ण राजस्थान को देखेंगे। ठीक है, एक कमेंट जरूर चाहेंगे रोहित जी। ये चीज तो बताइए कि राजस्थान को क्या मिला, राजस्थान को तो कुछ भी नहीं मिला 2047 तक, ना तो आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, क्या देखेंगे 2047 में, नींव ही देख के रह जाएंगे क्या आज? नींव तो सब मकानों की अपने आप पड़ जाएगी, बट 2047 तक जिंदा कौन रहेगा? आज 2024 से 23 साल बाद जिंदा कितने लोग रहेंगे? हमारे को यही नहीं पता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम 2017 में जेटली साहब के टाइम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट में हम ये करेंगे, वो स्किल डेवलपमेंट 5 साल गायब हो जाता है। आज वापस एक नया भूत खड़ा हो गया कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे। यू हैव फेल्ड इन स्किल डेवलपमेंट, देयर वाज सो मच ऑफ करप्शन दैट यू हैड टू क्लोज स्किल डेवलपमेंट। इसी तरह से आपने कहा इंटरनेशनल हम लोगों को लेके जाएंगे, बाहर हम लोगों को नौकरियां देंगे, वो मैंने आपको बताया कि 100 स्किल बाहर के लिए 100 स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुले, उसमें से 2022 में 1 स्किल डेवलपमेंट भुवनेश्वर में खुला। ये बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं
जो हमारे सामने आ रहे हैं, कहना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री जी ने लास्ट बजट में क्या बोला कि हम 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करेंगे 5 साल के अंदर। ठीक है आशीष जी, 5 साल में ये 10 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जा रहे हैं। बार बार चर्चा कर रहे हैं राजस्थान को क्या मिला। देखिए जो हमारी तीसरा कार्यकाल में जो प्रायोरिटी तय हुई है, हमने कहा कि हम भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। अब नेचुरली देखिए जब भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तो राजस्थान की भी उसमें ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं कि हम 3 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत लखपति दीदी बनाएंगे तो उसमें राजस्थान की महिलाएं भी शामिल होगी। जब हमने तय किया कि हम 3 करोड़ नए मकान बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास के तहत तो उसमें राजस्थान का मकान भी इंक्लूड होगा, राजस्थान के लोगों का। और ऐसा नहीं हम केवल कह रहे हैं रोहित जी, हमने पिछले 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान बनाए, आपको यहाँ बताना चाहिए। अरे आप बताइए, आप बताइए, आपने 2004 से 14 के बीच में कितने मकान बनाए बताइए, आपने कितने लोगों के खाते खोले बताइए, आपने कितने लोगों को गैस कनेक्शन दिए ये बताइए, आपने कितने लोगों को स्कॉलरशिप दी वो आज तक बताइए ना आप। अरे बताइए ना, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए, क्योंकि नहीं बता सकते। श्वेता जी, श्वेता जी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आप स्कॉलरशिप रोकिए ध्यान से। इनके समय में राजस्थान में रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर था मात्र 600 करोड़ रुपए, जो आज बढ़ करके 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान की सारी रेलवे एक्सपेंडिचर है, डबलिंग हो रही है, रेड बेल्ट कॉरिडोर बन रहा है, आपने क्या किया बताइए ना। आप थक जाओगे। चलिए ठीक है, पूरे भारत में कुछ जी एग्रीकल्चर बजट हमने पिछली बार से बढ़ा करके जुड़े एक रिएक्शन से ले ले। विमल कोठारी जी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर। विमल जी देखिए, अलग एक सेक्टर में हम बात तो कर रहे हैं लेकिन एक अहम सेक्टर है। आज जो एक खबर आती है या फिर राहत मिलती है सोने चांदी को लेकर, और उसको लेकर असर शेयर मार्केट में भी नजर आता है। टैक्स को लेकर की राहत की बात करें या फिर कस्टम को लेकर राहत की बात करें, बजट में कितना प्लस नजर आया या फिर माइनस? प्लस की बात करें, प्लस ही प्लस है। जहाँ तक अगर जैसे संजय काला जी, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, साथ में हमारे संजय काला जी इस बारे में ज्यादा बेटर बताएंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ज्वेलरी उद्योग की ये बड़ी डिमांड थी कि सोने और चांदी के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इस इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाए। हालांकि जो डिमांड थी वो 4% तक कटौती करने की थी, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री जी ने इस बार 6% की अनाउंसमेंट की है। लेकिन 6% की अनाउंसमेंट भी कम नहीं है, क्योंकि यदि सोने और चांदी की अगर रेट्स की बात करें तो रेट्स के अंदर करीब आज पूरे दिन के अंदर 5,000 रुपए के आसपास का उतार चढ़ाव देखा गया। जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर लिखी थी उस समय भी 2,000 रुपया जो मॉर्निंग में जो भाव खुले थे सोने के, उसकी तुलना में अभी इस समय तक कम चल रहा है। उम्मीद ये की जा सकती है कि रात तक हो सकता है इसमें और भी कोई नया संशोधन हो और कुछ गिरावट आ सके। हालांकि बाजार इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था कि जो अनाउंसमेंट हुई है वो अनाउंसमेंट 6% कम करने की हुई है या 9% कम करने की हुई है। जैसे ही इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन के बाद में स्थिति क्लियर हो गई और जो 5,000 रुपये 10 ग्राम की जो गिरावट थी वो घटकर अब 2,000 रुपये 10 ग्राम की रह गई है। इसके अलावा जैसे टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़े चेंजेस तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस को लेकर के हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये थे उसको बढ़ाकर के 75,000 रुपये किया गया है, जिसको एक राहत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शंस में 2014 के अंदर चेंज हुआ था, जब उस समय 40,000 रुपए को बढ़ा करके निर्मला सीतारमण जी ने 50,000 रुपए किया था। अब 50,000 को बढ़ा करके 75,000 रुपए किया गया है, जिसको मुद्रा स्फीति में जो चेंजेज आ रहा है उससे जुड़ा हुआ माना जा सकता है कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उसी गति से इन्होंने इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर कुछ बदलाव किए। ठीक है, कुछ और भी खास बातें हैं, जैसे कस्टम्स ड्यूटी की बात करें तो बहुत सारी जो आयातित वस्तुएं उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी को घटाने की वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की है। इसके अलावा भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कुछ ऐसी कमोडिटीज़ भी हैं जिनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई गई है। आप यदि इसको, जो कस्टम्स से जुड़े हुए लोग हैं वो यदि इसके नोटिफिकेशंस को देखेंगे, जैसे 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मेरी निगाह पड़ी थी और जिसके अंदर ये था कि जहां 20% जो कस्टम्स ड्यूटी थी उसको बढ़ाकर 150% कर दिया गया। मतलब जो इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ इंडिया में आ रहे थे और जो घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचा रहे थे
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए जिसका स्वागत किया जा सकता है। ठीक है विमल जी, बिल्कुल इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। संजय काला जी हमारे साथ, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं। संजय काला जी, राहत क्या इस सेक्टर से जुड़े लोगों को, साथ ही कस्टमर्स दोनों को रहेगी जो फैसला लिया गया बजट में? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि ये पिछले 5-7 साल से जब से ड्यूटी 4% से बढ़ा के 10 की थी, 10-15 कर ली थी, और फिर GST भी लग के 18% हो गया था, तो जो कंज्यूमर है उस पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि अपन 15% का जो डिफरेंस है और गोल्ड में, और खास तौर से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो अपन कॉमोडिटी रखते हैं उसको देखा जाए, जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी में काम में आने वाली कॉमोडिटी, उसकी अगर प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा हो तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। अब ये जो चेंजेस किए हैं इससे करीब करीब 9% का फर्क आएगा, तो वो मेरा मानना है करीब करीब 6,000 रुपये का कम से कम इसमें फ़र्क आना चाहिए, और इसका सभी व्यापार में सभी चीजों में बहुत फायदा मिलेगा, और कंज्यूमर को तो खास तौर से बहुत ज्यादा। टोटल 5% कम हो रही है सर, ये 15 क्यों हो रही है, समझो आप बात को, क्योंकि उसमें जो एग्रीकल्चर सेस है ना, वो भी 5% से 1% हो गए हैं। नहीं हुआ, आया है सर, अभी नहीं आया सर, मैं देखता हूं, आपने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है 15% से 6% आ गया, तो 9% का इफेक्ट है इसमें, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट, वो सारा नोटिफिकेशन देख लिया है मैंने। शुरू में वो था कि भाई इट इज गोइंग टू, वो बताने में कुछ कंफ्यूजन थे उनके, पर अब जो पूरा नोटिफिकेशन आया उसके साथ 9% का मतलब करीब करीब 6,000-6,500 का फर्क आना चाहिए जो अल्टीमेटली अपने को दिखेगा। इसके अलावा जो डायमंड का है स्वाइंग वाला, उस पर ड्यूटी लग रही थी, वो भी उन्होंने रफ के अंदर मानी। जी विमल जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भारत के अंदर जो चूंकि कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा थी उसके ऊपर GST था, इसलिए भारत में बहुतायात में सोने की तस्करी होती थी। अब चूंकि रेट्स के अंदर काफी कुछ कमी आ गई है, तो जो तस्करों को जो इसका फायदा होने वाला था, जो रेट में जो अंतर था, उस अंतर में चूंकि कमी आई है, इससे ये भी माना जा सकता है कि जो सोने की तस्करी इंडिया में अवैध रूप से हो रही है, उस अवैध रूप से होने वाली तस्करी के ऊपर भी काफी हद तक लगाम लगेगी। ठीक है, मैं विमल जी की बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो विदेशी कस्टमर यहाँ, क्योंकि काफी टूरिस्ट आता है यहाँ पे, वो ज्वेलरी खरीदना चाहता है, पर क्योंकि जब 15% ड्यूटी लग के उसको गोल्ड मिल रहा था, तो ही वॉज नॉट एबल टू बाय, क्योंकि उसकी कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 15% क्या बल्कि 18% ज्यादा हो रही थी GST मिला के। अभी इसके वजह से काफी ट्रेड को फायदा पहुंचा, क्योंकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा वो इजीली खरीद पाएगा। ठीक है, दिनेश जागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर हैं। दिनेश, बजट अलग अलग एंगल से, अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है, एनालिसिस हो रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये बजट कैसा है? बजट की ऑल ओवर हम बात करें श्वेता जी, तो तीन बातें सामने आ रही है। एक तो NDA गठबंधन ने अपने सहयोगी दल है, जैसे नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, उनको यहाँ पर साधा गया है। दूसरा, युवा शक्ति के लिए रोजगार को लेकर चिंता जताई गई है, और जिस तरह 2,00,000 करोड़ की 5 स्कीमों का पैकेज का यहाँ पर ऐलान किया है। और तीसरा, कि जो मिडिल क्लास है उसको थैक्स बराबर, यानी थोड़ी सी राहत इसमें जो स्लेब में है बदलाव करके यहाँ पर दी गई है, लेकिन जिस तरह से मिडिल क्लास की लिविंग लाइफ ऑफ कॉस्ट है, उनका जो कमाई का जरिया और जो महंगाई जिस तरह बढ़ी है, उसके अनुपात में कह सकते हैं कि ज़्यादा राहत यहाँ पर थोड़ी सी नहीं मिली है। तो बजट के राजनीतिक रूप से तो कई मायने निकाले जा सकते हैं, कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। तमाम जो आर्थिक जगत के एक्सपर्ट बैठे हैं, अगर आर्थिक चश्मे से देखें तो ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पर नहीं है कि कोई क्रांतिकारी यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई बड़ी घोषणाएं इस बजट में यहाँ पर की गई है, क्योंकि अभी 6 महीने तो लगभग निकल चुके हैं और ये अंतरिम बजट का ही पूर्ण बजट है, क्योंकि दिसंबर अंत में आगामी जो पूर्ण बजट है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो अगले 6 या 7 महीने का ये बजट है, इसमें किस तरह इंप्लीमेंट होगा, किसानों के लिए सबसे बड़ी मांग थी MSP की, उसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि जून में ही हमने कई फसलों का MSP है वो बढ़ा दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ज़्यादा इसमें चर्चा यहाँ पर नहीं हुई। थोड़ी और राहत, क्योंकि मिडिल क्लास की, जैसा कि हमने बताया कि उसकी जो महंगाई है उसे, उसकी कमर टूटी हुई है, उसका जो जीने का तरीका है, उसकी आय का साधन है, तो थोड़ी राहत यहाँ पर और यहाँ पर मिल सकती थी। इसके अलावा हम बात करें तो 1,00,000 करोड़ की सीधी मदद तो दो गठबंधन दलों के जो राज्य आंध्र प्रदेश है और बिहार है उनके लिए यहाँ पर की गई है, और राजस्थान को जैसे कि दलहन और तिलहन का अच्छा उत्पादन होता है, नंबर 2 पर उत्पादन में हम दलहन में, तो जिस तरह घोषणा यहाँ पर की गई है तो जाहिर सी बात है इससे दलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जो फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं उनको यहाँ से फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो एक मारवाड़ के अंदर नए औद्योगिक
सेक्टर प्रोजेक्ट देने का यहाँ पर प्लान हुआ है, राशि भी बताई गई है कितनी एकड़ जमीन है वो यहाँ पर डेवलप होगा, तो इससे कितना फायदा होता है, कितने साल में ये डेवलप होगा, ये अच्छी बात है जिस तरह मारवाड़ में कई स्थितियां है। दिनेश, ओवरऑल राहत वाला बजट माने क्या फिर इसे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने तीन बात है, कांग्रेस जिस तरह आरोप लगा रही है मिडिल क्लास के लिए कुछ और घोषणाएं यहाँ पर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, ठीक है, वो कभी इसमें जरूर नजर आ रही, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ पंकज जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, बजट को लेकर ही चर्चा है, बजट को लेकर ही अलग अलग तरह के व्यू सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार का फोकस सबसे ज्यादा किस में रहा? आप लोग बात तो चार सेक्टर को लेकर करते हैं कि हम नारी की बात हो, किसान की बात हो, युवा की बात हो या गरीब की बात हो, राजस्थान को लेकर बार बार, और सिर्फ ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश, बिहार, तो फिर राजस्थान क्यों नहीं, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये बार बार मुद्दा आ रहा है, बार बार इसको लेकर सवाल उठ रहा है, अब आप आए हैं तो सर इसका जवाब भी एकदम साफ सुथरे शब्दों में। देखिए, राजस्थान के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है उसमें आप देखिए सरकार का कितना हाथ है, बहुत सारे लोग हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है लगातार, आपके पिछली बार जो बजट से पहले आए थे जब 2014-15 में थे तो उस टाइम पे आपने एक चीज पूछी थी, आपने मुझे याद है कि आप बताइए कि जब पहली बार सरकार में आए थे गडकरी साहब जब मंत्री बने थे तो आप ही के यहाँ से क्वेश्चन था कि ये जो जयपुर से दिल्ली का रास्ता है ये कब कम हो जाएगा, तो हमने कहा था कि जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि हालात ये थे कि आज की डेट में आप 4 घंटे के अंदर न्यू वाले रास्ते से 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, और उसका जो कंप्लीशन टाइम है ना, आप देखिए कंप्लीशन टाइम 2019 में शुरू हुआ और 2023 में जो है एक पैच कंप्लीट कर दिया। और आपको बताता हूं कि जो डीपीआर बनी थी डीपीआर से 3.5% जो है कम कॉस्ट में बना, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश को मिल रहा है। अभी भी प्रदेश में जो है कुछ हाईवे जो है लगातार जो है उनको ज्वाइंट करने की बात की गई है, पूरे प्रदेश को ज्वाइन करने की बात की गई है, यहाँ के जो किसान है उसके लिए बात की गई है, तो ऐसा नहीं कि राजस्थान को नहीं मिला। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर मिला, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके यहाँ की सरकार देखेंगे तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी पूर्व प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस टाइम के थे, उन्होंने क्या कहा था जब एक घोटाला हुआ तो, कि मैं जो है कोएलिशन की गवर्नमेंट चला रहा हूँ। आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका हलफनामा है कि मैं कोएलिशन की गवर्नमेंट चला रहा हूं इसलिए इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, इन लोगों ने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो आज कम से कम जो है सारी की सारी चीजें बजट वेरिफिकेशन दी गई हैं, और आप मुझे बताइए वो रुका हुआ था आंध्र प्रदेश में, क्या बेसिकली जो है एक राजधानी बनाने के लिए उसको पैसा नहीं देना चाहिए स्टेट को, क्या दिक्कत थी भाई उसमें? तो ये जो चीजें हैं, आज बिहार जो है एक बड़ा क्षेत्र है, वहां पर जो है एक बड़ी आवश्यकता है, तो ये जो चीजें हैं कि हाईवेज बनने के बाद, क्योंकि बिहार में नहीं है, बिहार के बाद जो है आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं जो है हाईवेज हैं, तो ये जो पूरा समग्र जो है ये कहीं ना कहीं जो है पूरे देश का विकास है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बोले भी कि क्यों है, सवाल ये उठ जाता है कि भाई पिछले भी 2 टेन्योर आपका ही रहा, राजधानी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े पहले हो चुके, राजधानी पहले क्यों नहीं बनी, पहले क्यों पैसा नहीं दिया गया, इसलिए सवाल उठता है कि इस बार की स्थितियां परिणाम के बाद अलग थी, तो फिर ये भी एक वजह तो ये भी बनी नहीं है। साहब ने क्या कहा था कि जो सरकार आई, नहीं नहीं, जो सरकार आई थी उसने नहीं बनने दिया, पॉलिटिकल कंपल्शन है इनकी, सरकार को यदि ये नहीं देते तो वो आंख दिखाते, इसलिए इनको देना पड़ा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप और वो भी देश के जो है पुरानी बात पुरानी बात घोटाला किया है ₹2 करोड़ किसी अपराध
अपराधी को सरकार बचाए, बोराजी सरकार बचाए अपराधी को, सरकार बचाए अपराधी, शरण तो होनी चाहिए, अपराधी को सरकार बचाए, दो दिन पहले सरकार वापस है, दो दिन पहले जो है छापा की छापा लोगों ने, आपने सरकार जो पुरानी सरकार में जो लोग भ्रष्टाचारी है उनको सरकार बचाती है, चलिए मौजूदा सरकार, पंकज जी मौजूदा सरकार तो तस्वीर बदल रही है ना, मौजूदा सरकार बेहतर करने कोशिश कर रही है, बिल्कुल बताइए माथुर जी, एंडी माथुर जी सर, हाँ उस वक्त भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बिल्कुल उसके बाद भी और बातें सुनी, सचिव जी साहब कह रहे थे कि राजस्थान को भी फायदा हुआ क्या, किसान को फायदा हुआ तो राजस्थान के किसान को नहीं हुआ क्या, घर बनेंगे तो राजस्थान के किसान को, तो जब बिहार का और आंध्र प्रदेश का मसला आता है तो आप एलोकेशन लेके आते हैं 15,000 करोड़, 57,000 करोड़, जब राजस्थान की बात करते हैं तो कहते हैं घर बनेंगे तो राजस्थानी होकर नहीं बनेंगे क्या, किसान को फायदा होगा तो राजस्थानी, उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है, आप लोग इतना सा कह के पल्ला झाड़ लिया कि घर बनेंगे तो राजस्थान के लिए नहीं बनेंगे क्या, महिला को फायदा होगा तो राजस्थान की फायदा कि महिला को फायदा नहीं होगा क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के रेफरेंस में दो इंपॉर्टेंट बातें, वेस्टर्न और ईस्टर्न राजस्थान के लिए ERCP और ऑयल रिफाइनरी, इन पर ध्यान दिया जाए तो राजस्थान आज चमन हो जाए, क्यों नहीं आज डबल इंजन की सरकार है इन पर ध्यान देती और राजस्थान को फायदा देती, ERCP एंड ऑयल रिफाइनरी, ईस्टर्न और वेस्टर्न राजस्थान दोनों को फायदा होगा इसका, और इस डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब अगर ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पहले ही बहुत टॉप प्रायोरिटी पे, उसको फंड की जरूरत थी, वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, वो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मोदी जी का ही नहीं है, होएगा बिल्कुल, उसके उसके पहले दिन पहले बन चुकी है, आपको पता है MOU टेबल नहीं हो रहा है असेंबली में, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो पानी का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में चला गया, हमें 3400 MCM पानी मिलना था, मिल रहा कितना है 1700, जो हमारे पास सिर्फ पीने के पानी के लिए होगा, ना हमारा इरिगेशन होगा, ना हमारी इंडस्ट्रीज को मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कमलनाथ जी की सरकार थी, राम की सरकार थी, या तो बताइए ना क्या दिक्कत हुई थी, कम से कम आपको हुआ, ठीक है नई सरकार की पार्टी में था आप लोग, ठीक है कमलनाथ जी सरकार थी, आपको अशोक गहलोत सरकार थी, लेकिन इसलिए उम्मीद थी कि शायद केंद्र से भी इसे लेकर, क्योंकि प्रायोरिटी में ERCP का है और इसलिए बजट में भी कुछ कहा जाएगा, ये इंतजार, लाल सिंह जी आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, एक एक रिएक्शन जरूर चाहिए सबसे, कि वेस्टर्न राजस्थान का जो मारवाड़ का जो एरिया है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है पशुपालक, भेड़ पालक है, पशुपालक है जो माइग्रेंट करता है राजस्थान से MP माइग्रेंट करता है, उसके बारे में कभी भी बजट में कुछ भी नहीं बोला जाता है, ये भी नहीं माना जाता है कि भाई उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे किसानों के लिए जो भी सुविधाएं हैं पशुपालकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ कि रिसर्च और जो रिसर्च के लिए जिनके लिए रिसर्च की जाए उससे कोई लिंकेज नहीं है, जैसे बीकानेर में रिसर्च सेंटर है, कैमल रिसर्च सेंटर है, उसके कैमल रिसर्च सेंटर के बजट बढ़ रहे हैं लेकिन कैमल की संख्या कम हो रही है राजस्थान में, उसके ऊपर कोई अभी किसी का ना स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है ना अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान है। ठीक है, मन्नाराम रावत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी सांसद, मन्नाराम जी देखिए आपने कहा कि बजट सबके लिए है, सबको देने की कोशिश की गई है, राजस्थान चलिए नाराजगी हो सकती है क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा होती, सब उम्मीदें पूरी नहीं होती, लेकिन मन्नाराम जी रेलवे को लेकर भी तो कुछ नहीं हुआ, राजस्थान में कई ऐसे जगह है जहां पर इंतजार है कि यहां से ट्रेन गुजरे और ये कई सालों से ही इंतजार में ही है, क्या वाकई में इसे लेकर ठीक है बजट में नहीं लेकिन सांसद होने के नाते या आप लोग की तरफ से कोशिश की जाएगी? देखिए जिस तरीके से बजट आया है उसमें सारी चीजें आई हैं, आप तो ये देखिए एक रतलाम से डूंगरपुर की एक रेल लाइन की बात कीजिए तो कांग्रेस ने तो कोई सपोर्ट नहीं किया था जब सरकार थी राजस्थान में, बकायदा जनजाति गौरव कॉरिडोर के रूप में परिभाषित करके पिछले ही बार बिल्कुल केंद्र सरकार ने इस पूरी परियोजना को डिफेस किया, तो जिस डिफेस होने के बाद इस रेल लाइन पर काम आप में बहुत बड़ी बात है, चिंतन मनन करके ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत कीमती बात ये आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि सामाजिक न्याय वाला जो अध्याय है उसमें
माननीय नरेंद्र भाई मोदी के सरकार ने जनजातियों के लिए जो सोचा है वो बहुत बड़ी बात है। जनजाति कार्य मंत्रालय बीजेपी का लाया हुआ, उसके बाद जनजाति गौरव कॉरिडोर लाया हुआ, गौरव दिवस लाया हुआ, और उसके साथ साथ पीएम जनमन योजना, लेकिन अब पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अभियान है, उसका राजस्थान दक्षिण राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस के कालखंड में देखिए जनजाति को उपेक्षित किया हुआ था, यहां तक कि मंत्रालय भी नहीं था, और जनजाति मंत्रालय के साथ साथ में नेशनल एसटी कमीशन भी बीजेपी का लाया हुआ। तो ये सारी जो बातें आगे बढ़ी है जनजातियों को रेफरेंस में यदि बात करें तो गरीबों को लेकर, जनजातीय क्षेत्र के विकास को लेकर, आरक्षण संरक्षण को लेकर, क्षेत्र के विस्तार को लेकर बीजेपी ने जो स्टेप उठाए जनजाति के लिए बहुत बड़ी बात है। 67,000 ग्राम तक ये मंत्रालय और उसमें 5 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, जिन लोगों को राशन नहीं मिलता है, जिन लोगों को दवाई नहीं मिलती है। ठीक है बलराम जी, आप कह रहे हैं कि बहुत बहुत ठीक है, आप कांग्रेस बिल्कुल आप कांग्रेस से कंपेयर कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुलना में बड़े ऐलान है, बड़े काम है जो किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाना है। एनडी माथुर जी, एक अहम सवाल जरूर चाहेंगे, हर जो भी योजनाएं आती है या जो भी अनाउंसमेंट होता है अगली बार उसके दायरे को बढ़ाया जाता है, लेकिन रेलवे सेक्टर का दायरा छोटा क्यों होता जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है सड़क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है इन दिनों, और रेल पर ध्यान कम हो गया है, कम जो रेलवे बजट ही खत्म कर दिया हमने, लेकिन तो आम जन के लिए, कॉमन मैन के लिए रेलवे सबसे बड़ा परिवहन का साधन है, और इस बजट में इस बात की कमी परिलक्षित होती है, इस बात की कमी परिलक्षित होती है कि रेलवे पर एलोकेशन और होने चाहिए थे, नई रेल लाइनें आनी चाहिए थी, नई रेलगाड़ियाँ आनी चाहिए थी, जिनका इसमें जिक्र नहीं है। ठीक पंकज जी, नहीं देखिए रेल लाइनें जो है बिछने के बाद मैं बता रहा हूँ कि आप जितना काम हुआ आज दोहरीकरण का पोजीशन के बाद में, आज इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए आप, मुझे बताइए आज कहीं दिख रहे हैं कि आपको कि जो है डीजल इंजन की पोजीशन क्या है? मेरे ख्याल में पिछले 8 सालों में कोई नया इंजन नहीं परचेज हो रहा है, नई चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि सारे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो आपके पास में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आप दुरुस्त करके रखेंगे या आप बेसिकली नई चीज़ें बना के रखेंगे? तो मैं कह रहा हूँ जितनी चीज़ें हुई हैं, दोहरीकरण हुआ है, सेफ्टी के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है, लगातार रेलवे का जो एक्सपेंडिचर है, और मेरे ख्याल में टोटल 251,000 करोड़ के आसपास का जो है बजट जो है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, तो आप इस बजट को यदि कम मानते हो तो मेरे ख्याल में देखिए बड़ी वो चीज़ें हैं। तो देखिए हाँ डेफिनेटली सर, क्योंकि एक्चुअली देखिए रीजन है ना कि रेल को बेसिकली उधर जाना और उसमें जो है उसका फैसिलिटी में निकालना काफी महंगा और काफी जो ये है। सेकंड थिंग, ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर आप जहां लेकिन हाल में जितने रेल दुर्घटनाएं हुई उसके बाद उम्मीदें और बढ़ जाती, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती इसके बेहतर करने की, कम से कम स्थिति ऐसी ना हो कि लोग डरने लगे, लोग डरने ना लगे। प्राइवेट सेक्टर में तो रेलवे है, देखिए ये निवेश तो सरकार ही करेगी, नहीं प्राइवेट सेक्टर तो कर नहीं सकता, नहीं नहीं प्राइवेटाइजेशन है ही नहीं रेलवे। अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर आप रेल का उठाओगे उससे कम लागत में सड़कें बनेंगी और सारे गांवों को विकास होता है। रेलवे का ट्रैक से खाली पॉइंट टू पॉइंट डेवलपमेंट होता है, अगर आप लेकिन कम लेकिन दूरी कम वक्त में दूरी तय होती है, फेयर के हिसाब से देखें, आम जन के हिसाब से देखें, हर एक क्लास के लिए अलग अलग होता है। श्वेता जी मैं एक चीज बताता हूँ, आप देखिए कि इससे पहले जो रेट चलती थी उसकी कैपेसिटी और अब की कैपेसिटी लगभग 1.5 गुनी हो गई है, जो उसका जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो 1.5 गुना के आसपास हैं। उसके बाद सेकंड थिंग जो पावर ऑफ इंजन है वो भी बढ़ी हुई है, तो आप देखेंगे सेकंड थिंग जो टाइमिंग्स है, क्योंकि अब आप देखिए कि पहले जो है लगभग 8 घंटे के अंदर जो है 7 घंटे के अंदर जयपुर से जो है दिल्ली पहुंचा करते थे, आज देखिए 3.5 से 4 घंटे वाली ट्रेन ज्यादातर आपको मिल जाएंगे कि 3.5 से लेकर के 4 आवर्स के अंदर आपको दिल्ली उतार देंगे। तो ये जो चीजें हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि हर एक आदमी को अपने हिसाब से जो है फैसिलिटी चाहिए, अब कोई आदमी इसके पास इतना टाइम नहीं है कि 7 घंटे के अंदर जो है सुबह चलेगा और फिर जाएगा दोपहर के बाद जो है पहुंचेगा। तो ये जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं, और मैं आपको नहीं देखिए कभी पर्याप्त नहीं होता, बात तो सब कभी पर्याप्त नहीं होता, देखिए ये हमेशा ये मानव की नहीं डेफिनेटली मैं इस बात को मानता हूँ कि पर्याप्त कभी नहीं होते हैं, डेफिनेटली आगे चले क्योंकि ये चर्चा आगे चले। लेकिन पंकज जी ये आपको जस्टिफाई करना है चाहे नहीं, लेकिन पंकज जी हो सकता है, देखिए आप आपको करना है, आप देखिए ना, अरे सर धौलपुर से हमारी हिंडौन लाइन जो है आज 6 साल से काम चल रहा है, 6 साल से काम चल रहा है, बिकॉज ऑफ नो फंड्स 3 साल काम बंद था। आप किसकी बात कर रहे हो? और जो आप कह रहे थे ना रोड से, Do you imagine how much of fossil fuel we are using?
ये एक मास रैपिड सिस्टम है, वी हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज जो क्लाइमेटिक चेंज की आप बात कर रहे हो, हाउ विल यू चेंज ठीक है रोहित जी, चर्चा आगे जारी रखेंगे, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन 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 एक सेकंड, लेकिन लेकिन पंकज जी अभी अभी आपने पंकज जी एक बात से यहाँ ब्रेक में जाओगे, आपने अभी कहा कि इतना रेलवे को दिया है और उससे ज्यादा क्या ही दिया जाए, उसके लिए भी किया जाए, नहीं उसके लिए किया जा रहा है, लेकिन बात ये ना, आप एक साथ एक बड़ा अमाउंट में अगर आप कह देंगे ना कि ये रेलवे के लिए दैट्स इट खत्म हो जाएगा, तो उससे आम जन को संतोष नहीं होगा, क्योंकि विस्तार बजट के अंदर भी पहले रेलवे का था और अभी कुछ सुनने को नहीं मिलता, तो लोगों को यही लगेगा कि आपने तो कुछ नहीं दिया, क्या दिया है, रेलवे को लगता है आपने इग्नोर कर दिया, इसलिए ये सवाल उठना भी लाजमी है कि उस बजट के अंदर भी कम से कम उतना स्पेस रेलवे को मिलना चाहिए, इसलिए ये सवाल उठा है। वापस रुक करूंगे आपका, क्योंकि एक ब्रेक लगातार जारी है, और चलिए क्योंकि एक एक रिएक्शन भी ले लेते हैं, लगातार चर्चा तो हमने की, लेकिन रोहित बोहरा जी फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे, 10 में से कितने नंबर आप इस बजट को देंगे वो भी जरूर बताइए और क्यों। देखिए मेरे को नहीं लगता कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे जिस हिसाब से इनने ये बजट दिया है, आई डोंट फील दैट। दूसरा जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनने बढ़ाया है और इंडेक्सेशन सिर्फ इनने 2001 तक कर दिया, जो कैपिटल गेन में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा प्लस इंडेक्सेशन 2001 के बाद आपने खत्म कर दिया, तो जो अपनी जमीन बेचेंगे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचेंगे, सिल्वर ऑर्नामेंट्स बेचेंगे, सबको नुकसान है। जो आपने 1750 रुपए का जो मैडम बोल रही थी कि हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन से फायदा दे दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन से फायदा नहीं दिया। सबसे बड़ा इश्यू इसमें क्या है, यदि हम ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम को कंपेयर करूं, न्यू स्कीम में हमारे को सेविंग्स पे सब छूट मिलती थी, या मैं LIC करता था, मैं ATCC की मेरे को छूट मिलती थी, मेरे को मेडिक्लेम की छूट मिलती थी, वो सब नए वाले में बंद हो जाएगी। दैट मींस मैं सेविंग्स को स्पर नहीं कर रहा हूं इकोनॉमी में। सबसे बड़ा इश्यू क्या है, जब तक आप सेविंग्स को स्पर नहीं करोगे इकोनॉमी, वेयर विल द न्यू इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम? योर सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी ईयर इज टेकिंग लोन आउट ऑफ द मार्केट फॉर 17 to 18 lakh crores, वेयर इफ यू आर नॉट सेविंग, यदि आप सेव नहीं करोगे, वेयर विल द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू कर देती है। आपके पास सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, स्टॉक मार्केट। अभी वो स्टॉक मार्केट चल रहा है, जिस दिन धड़ाम होगा स्टॉक मार्केट, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या स्थिति है, अभी क्या बुल रन चल रहा है। जिस दिन बेयर रन आ गया ना स्टॉक मार्केट में, उस दिन आपको रियलाइज होगा। एक और खबर जो अभी आ रही है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भेदभाव किया गया इस बजट में, और इसलिए कल इंडिया गठबंधन के जो सांसद है वो विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। नेचुरली सिर्फ दो स्टेट्स का बजट है, आप देखो ना बजट कहाँ है, बजट तो सिर्फ दो स्टेट्स के लिए है, जहां इनको सरकार बचानी है वहीं के लिए सबसे बड़ा बजट है, बाकी किसी को दिया नहीं। अब राजस्थान में जहां डबल इंजन की सरकार का ये गीत गाते गाते असेंबली में परेशान हो गए, स्लैब से छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है, देश की अर्थव्यवस्था को 5वें से 3रे पायदान पर लेकर जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। कृषि कल्याण, रोजगार, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में लाखों करोड़ों का प्रावधान किया है। मैं इस बजट के लिए, क्योंकि ये बजट विकसित भारत के लिए, विकसित राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। जिस तरह से इस बजट में प्रावधान रखे हैं, स्वागत योग्य हैं। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। रोहित जी बस ये बता दीजिए 10 में से कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर, क्योंकि दूसरे में मेरे हिसाब से इनको 4 नंबर देने, 10 में से 4 दैट्स ऑल, पास कर दिया है। बस मैंने पास कर दिया इससे ऊपर इनका कुछ नहीं। एक चीज और कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये जो गीत गा रहे हैं पीएम आवास योजना के, पीएम आवास योजना 2022 में आके खत्म होने वाली थी, देवर सपोज टू मेक ऑल द हाउसेस बाय 2022, वी आर रनिंग 2024, नाउ दे आर सेइंग कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स वी विल मेक अनदर 3 करोड़ हाउसेस। क्या हुआ, राजस्थान को ग्रामीण परिवेश में लास्ट 5 साल में जब हमारी सरकार थी, हमारे को
हमारा गला घोंटने के लिए इनने एक भी ग्रामीण परिवेश में एक भी हमारे को पीएम हाउसिंग नहीं दिया। ये मैं आप कहो, मैं एफिडेविट दे सकता हूं, असेंबली में अनाउंस करा है इन लोगों ने कि नहीं हमें नहीं दिया। इसी तरीके से 5 साल जब हमारी सरकार थी, एससी एसटी और ओबीसी की जो छात्रवृत्ति है उसके 640 करोड़ रुपए इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करे। ठीक है, वो इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट इसलिए नहीं। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कि फाइनल रिएक्शन जरूर चाहेंगे आपसे। संजय काला जी, फाइनल कमेंट इस बजट पे। फाइनल कमेंट, काफी कुछ चीजें फैला के की गई है, कुछ चीज ली गई है, कुछ चीज दी गई है, जैसा कि जनरली हर बजट में होता है। और जो खास बात कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किया गया है, पर उसको पीछे से वापस ले लिया गया है इंडेक्सेशन, जो कि बहुत जरूरी था, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए लगाया गया था, उसको हटा लिया गया। दूसरी तरफ अपन देखें कि मनरेगा पे 60,000 करोड़ से 88,000 करोड़ पैसा लगा दिया गया है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जाए और रोजगार पे ध्यान दिया जाए, तो ये दोनों तीनों जो फिगर्स हैं वो काफी बदल सकती है। काफी कुछ अब की बार कहा भी गया है, पर ये डाउन द लाइन कितना इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उस पर सारी चीज डिपेंड करेगी। ठीक है, संजय जी, सॉरी सुनील दत्त जी। देखो, मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा। अब मैं हर बार सरकार को जब भी हम सुझाव भेजते हैं, वो एक निवेदन में हमेशा करता हूँ कि आप टैक्स जब भी इम्पोज करें तो ये जरूर ध्यान दें, बड़ी बारीक बात है, कि स्टॉक मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। आज वित्त मंत्री महोदय ने 10% का 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया, 2000 का इंडेक्सेशन कर दिया, इंडेक्सेशन को बाद में विड्रॉ कर लिया। मुझे नहीं लगता कि साल में कोई 10-5 हजार करोड़ रुपए भी इकट्ठा होगा, लेकिन बदले में अगर 50,000 करोड़ रुपए की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो रही है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। तो वित्त मंत्री के जो कार्यालय में जो सलाहकार हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट एक अपने अंदाज में चल रहा है। पिछले 10 साल तक स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप ऐसे छोटे छोटे टैक्स लगाओगे उससे मार्केट गिरता है, कैपिटलाइजेशन में नुकसान लाखों करोड़ रुपए का होता है। आज अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर नीचे 2-3 बार हो गई, हर 15 मिनट 500 पॉइंट, कितने लाख करोड़ रुपए हो गए इन्वेस्टर के। तो मैं सहमत नहीं हूँ, भले मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ कि इस तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई टैक्स के ऊपर सरकार करे जिससे नेगेटिविटी बाजार में हो, बिल्कुल गलत है। लाल सिंह जी, मेरा ये मानना है कि एक, पशुपालकों को बिल्कुल अनदेखा किया गया बजट में, जीरो वैल्यू ऑफ पशुपालक होके उनको ये लगता है कि वो सिटीजन है कि नहीं इंडिया के, या राजस्थान के सिटीजन है कि नहीं है। इसलिए मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम सेंटर को बताइए, इस पर ध्यान दे। नंबर टू, राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना, राजस्थान में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, 225 मिलियन लीटर्स, लेकिन प्रोसेस नहीं होता है, दलहन का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत राजेंद्र जी आपका। राजेंद्र जी, कमेंट जरूर चाहेंगे इस बजट को लेकर, क्योंकि प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से आए और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, सवाल यही कि भेदभाव किया गया। देखिए श्वेता जी, जहां तक राजस्थान के बजट की बात है, तभी कुछ दिन पहले ही हमने राजस्थान का बजट डिस्कस किया था, हमने तब भी ये बात कही थी कि राजस्थान को वास्तव में कुछ नहीं मिलने वाला। ये मुख्यमंत्री जी लगातार जो डबल इंजन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं या बार बार दिल्ली भाग रहे हैं, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। और जहाँ तक जिस ERCP को लेकर ये मतलब जनवरी के अंदर कहते हैं हमने MOU कर लिया, आज दिन तक किसी ने MOU देखा नहीं, लेकिन वो पार्वती काली सिंध और चंबल का जो लिंकिंग, रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट था, इसको ERCP कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, जिसके अंदर 90% जो रुपया है वो केंद्र सरकार को वहन करना था। उसके अलावा यमुना जल वाला भी जो हम था उसके अंदर भी, क्योंकि राजस्थान के लिए सबसे बड़ी अभी अगर कोई समस्या है तो वो पानी है, पानी सिंचाई के लिए भी और पानी पेयजल के लिए भी, इन दोनों चीजों को पूरी तरीके से इग्नोर किया है। और राजस्थान के लिए ये मैं तो कह रहा हूं कि पिछली सरकार में इन्हें केंद्र के मंत्री थे जो जल शक्ति मंत्री थे, उनको हटा दिया, मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी, इस वजह से हटाया। तो राजस्थान के लिए अब आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब स्रोत ही नहीं होगा तो आप रूरल एरिया के अंदर जो जल जीवन मिशन की जो बड़ी योजना है उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि राजस्थान पहले से ही जो
राजस्थान भौगोलिक विषमता वाला प्रदेश है, उसके अंदर तमाम तरीके की हर्डल्स आती है, और राजस्थान और मतलब केंद्र का जो बराबर का शेयर था, जबकि लैंड एक्विजिशन से लेके नोडल एजेंसी तक और पूरा का पूरा योजना का क्रियान्वयन करने में राजस्थान सरकार का रहता है, तो कम से कम जो जेजेएम के अंदर भी राजस्थान का हिस्सा बढ़ाना चाहिए, मतलब लेकिन और सुनिए इसके अंदर मैं और जोड़ना चाहूंगा कि देखिए शिक्षा के ऊपर ये लोग जीएसटी लगाते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, आपको पता है कि लगातार एक तरफ तो डायमंड पे 0.25 से 3% का जीएसटी है, लेकिन ये इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी लगाते हैं, हमारे जो पूरे के पूरे कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाते हैं, जो हमारा उर्वरक है उसके ऊपर जीएसटी, और उर्वरक में यूज होने वाला केमिकल उस पर तो जीएसटी 18% तक है, और जो हमारे मतलब जो उपकरण है या जो हमारी दवाइयां उनके ऊपर भी कितना अभी महंगाई बढ़ी थी आपने सुना होगा, और आज ये कह रहे हैं साहब हमने दवाइयां सस्ती कर दी, अरे यार कैसा तरीका आपका, एक तरफ आप बढ़ा देते राजस्थान में आरएसी का मेंबर रहा हूं, अगर आप आज 18% जो जीएसटी की बात कर रहे हो, पुराने रिजिम में 38-40% तक के एक्साइज ड्यूटी अब मतलब प्लस टू प्लस होती थी, वो सब हो रहे हैं तो रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूं ना, तो रिफॉर्म करिए ना, आप तक अमेंडमेंट कर चुके हैं, आप अमेंडमेंट करिए ना, एक सेकंड माधव जी, शास्त्री के रूप में इन्फ्लेशन को लेकर आने वाले समय में फूड इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने वाला है, दूसरी चिंता मेरी बोरोइंग्स को लेकर के, लगभग 27% बोरोइंग्स हैं, 48,20,000 करोड़ का बजट है, जिसमें अगर आप 27% निकालें लगभग 13,000 लाख करोड़ रुपया जो है वो निकलता है बोरोइंग्स का, और जबकि इंटरेस्ट पेमेंट में 20% खर्चा जा रहा है हमारा, तो इस 48,20,000 करोड़ का 20% तो गया, तो कुल मिलाकर बचा क्या फिर और कहाँ खर्च होगा वो, तो कुल मिलाकर बोरोइंग्स जो है हमारी बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादातर पैसा इंटरेस्ट पेमेंट, ये 1/5 टोटल खर्च का 1/5 जो है इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, तो इससे मैं समझता हूँ कि हासिल है बजट हसरतों के सिवा कुछ नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये दिया नहीं वो मिला नहीं, थैंक यू। पंकज जी फाइनल कमेंट। श्वेता मैं बताता हूँ, पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता में जवाब देता हूँ जी, पहले इन्होंने कहा जल जीवन मिशन और पानी की बात की, देखिए शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे टाइम पर क्या हुआ, और इन्होंने कहा कि पिछले बार पानी की व्यवस्था थी, इनके एक कैबिनेट मंत्री थे जिन्हों को राजसमंद से चुनाव लड़ा करते थे, और वो केवल जो है पानी नहीं लेके जा पाए, उन्होंने वहां से जो है चुनाव लड़ने की जगह भीलवाड़ा चले गए, और भीलवाड़ा भी पानी नहीं पहुंचा पाए तो वहां से चुनाव लड़ना बंद कर दिया और उसके चुनाव से वो कर दिया। दूसरा जल जीवन मिशन की हालत आपने खुद ने देखी कि पिछले साल जल जीवन मिशन में कितना पैसा मिला, 22,000 करोड़ रुपया, घपला कितना हो गया, अभी तो जो है सीबीआई जो है आगे घूम रही है, और अब मंत्री जी जो मंत्री जी थे है ना वो खुद जो है कटघरे के अंदर है, तो मुझे बताइए कि क्या इस तरीके का बजट आपके जो है बजट आपके लिए देना था, या बजट जो है कहीं ना कहीं जो है पब्लिक के लिए देना था, तो कम से कम काम करते हैं, तो आज मुझे नहीं लगता कि इतनी आवश्यकता पड़ती है। दो मिनट आ रहा हूँ आपके बीच में नहीं बोला, अरे मेरे बाबा जी ने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे सुनना तो करो भाई, अरे पब्लिक, अरे यार मतलब ये नहीं नहीं ये क्या मतलब नहीं नहीं मतलब आप यार चोरी भी करोगे, मतलब जो है घपले भी करोगे, भ्रष्टाचार भी करोगे, आप बोलने भी नहीं दोगे, आप चाहते क्या भैया बताओ, चाहते क्या आप बताइए, मुझे बताइए, आप कह रहे हो जल जीवन मिशन हुआ कि नहीं हुआ, प्रलोभन देकर राजस्थान दिया ना हमने आपको, आप जल जीवन मिशन ने दिया था कि नहीं दिया था, निकाल के कि आपने हासिल किया क्या, 22,000 करोड़ का जो है जो आप दिया जाकर क्या है बताइए ना, मंत्री के घर में से पहुंच गए इसी बजट के अंदर, इसी बजट के अंदर नेशनल प्रयोजन मिली है आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को क्या मिला, खाने के लिए चाहिए, ठीक है राजेंद्र जी पंकज जी वक्त खत्म हो गया सुनिए सुनिए, अगर आप सवाल ये उठाओगे केंद्र दिया नहीं, एक तो केंद्र दे दिया नहीं पिछली सरकार ने केंद्र दिया नहीं, और जो दिया तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसको भी नहीं छुआ सकते, हाँ वक्त खत्म हो चुका है राजेंद्र जी पंकज जी, वक्त खत्म हो गया। अरे मैडम ये 13 लाख करोड़ 11.11 लाख करोड़ बस 30 सेकंड 30 सेकंड है मेरे पास, 10 में से कितने नंबर देंगे सर जी, 10 में से कितने नंबर बजट को, 10/10 10 में से 4 10 में से ओवरऑल बजट को 3 नंबर और राजस्थान के लिए 1 नंबर 6 नंबर
छह नंबर। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए केंद्र का बजट आ चुका, इंतजार इसी को लेकर था, हर सेक्टर को साथ लेकर चलने की बात की थी क्योंकि सबका साथ सबका विकास मंत्र पर ही ये बजट आधारित है, ये पहले ही कहा गया था और उसके बाद बजट लाया गया। ये तो तय है कि देखिए उम्मीदें सबकी बहुत ज्यादा होती है लेकिन सबकी उम्मीदें पूरी हो जाए बजट में ये जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन इतना जरूर है कि चलिए कहीं खुशी है कहीं गम है, कोई मान रहा है कि हाँ अच्छा बजट है, कोई कह रहा है कि कुछ दिया नहीं है, कोई कह रहा है कि खाली हाथ हम रह गए, कोई कह रहा है किसी स्पेशल राज्य के लिए अलग से आपने बहुत कुछ दे दिया है तो बाकी राज्यों के साथ पक्षपात किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब की बार जो कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही भंडार खोले हैं सरकार ने, जो कुछ भी हो लेकिन इतना जरूर है कि जो भी आपने अनाउंसमेंट किया है, जो भी आपने इस बजट शामिल किया उसके एग्जीक्यूशन पर फोकस करिए कि क्योंकि बजट में जिसे मिला है कम से कम उस तक पहुंच जाए, उसे वो राहत मिले, ये भी बड़ी बात होती है क्योंकि सवाल हमेशा उठते रहेंगे और ये कह सकते हैं कि किसी का भी सपना या किसी की भी उम्मीदें वो पूरी हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जितना कहा गया वो पूरा हो तो इस तरह से भी हम जो 2047 की बात कर रहे हैं उसकी झलक की बात कर रहे हैं, उसकी नींव रखने की बात कर रहे हैं तो कम से कम उसकी शुरुआत कर सकते हैं अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से सही समय पर हो तो। चलिए इसके साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे, नमस्कार। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के एक ठोस नींव रखेगा।